जय जवान जय किसान दोस्तों, लाइक जरूर करना है। राम कृष्ण आए दोस्तों, देखो ये बाढ़ कैसे चल रहे, एकदम मस्त। और दोस्तों अभी रुक रुक के थोड़ा बारिश आ जाती है। और दोस्तों देखो ये जो सीन है दोस्तों, ये सीन, ये जैसे आपको बकरी में दिखेगा ऐसा दूसरा कोई कदापि प्राणी नहीं करेगा दोस्तों। इतना बेर के पेड़ पर इतना छलांग मार के खाएगा, देखो क्या सीन है दोस्तों। और प्याड़ तो नीचे की खाए, और जैसे 80% बकरी को झाड़ा पत्ता ही चाहिए। और आजकल वो ये जैसे खेती वाले झाड़ा पत्ता रखना नहीं चाहते, इन्होंने खुद का झाड़ा पत्ता तैयार किया। जैसे ब्लैक अंगूर रहते, वो अंगूर का खेती है ये। खेतियों का अभी अंगूर का खेती बढ़ती जा रहा है दिन ब दिन। और ये देखो ये खेती, देखो इनको झाड़ा पत्ता नहीं रखना चाहते। और इसी वजह से ही बारिश का डर, बारिश गिरना तो बहुत गिरना, नहीं तो कुछ नहीं। जैसे दो दो साल सूखा पड़ रहा है, और जैसे बारिश हो रही थी बहुत, एक साल में बारिश होती रही बहुत। जैसे नदियाँ, जैसे बाजू का बहुत, जैसे हेक्टर कितना लाखों हेक्टर जमीन खराब होती जा रहा है, इतना पानी आ जाता है फिर नदियाँ में, ऐसा होता है। ये क्या कारण होता है? ये कारण होता है दोस्तों लहरी पना, क्योंकि ये पेड़ पौधे दोस्तों रखना नहीं चाहते खेती वाले। इसलिए निसर्ग आपको दंड के रूप में आपको समझाता है, भाई पेड़ पौधे रहना कितना जरूरी है, लगाना है या नहीं आपको रखना चाहते, आपकी मर्जी से अलग रखना चाहते तो आप जैसे आपके फायदे के पेड़ पौधे लगाइए। हाँ, तो इसलिए दोस्तों 80% झाड़ा पत्ता ही चाहिए। देखो कुत्ता भी उनका निगरानी कर रहा है, कैसे खा रहे हैं क्या कर रहे हैं। और भेड़ ये बाजू में हुआ है, इसलिए बोलते हैं ना, तो बकरी है तो बकरी चाहिए और भेड़ है तो भेड़ ही चाहिए संभालने के लिए, ऐसा होता है। दो दो चार चार साथ में अलग अलग प्राणी नहीं संभाल सकते आप, इसलिए हमारे इधर बोलते हैं एक ही प्राणी होना चाहिए, एक ही वड़न होना चाहिए, ऐसा है। ऐसा है देखो दोस्तों, और इसलिए इसका इनका दूध आयुर्वेदिक रहता है, इसलिए बकरी सबसे प्राणी में सबसे नंबर वन दूध रहेगा तो वो बकरी का रहेगा, और वो दो नंबर में रहेगा गाय का। गाय का जैसे आपको बहुत जैसे पॉजिटिवनेस देगा, और एक बकरी का दूध जैसे आपको कौन सा ही बीमारी के लिए जैसे आप खा सकते पी सकते, बहुत जैसे बीमारी में आपको काम में आ सकता है, इसीलिए बकरे का दूध सबसे अच्छा है। बकरी जैसे लाखों में एक अच्छा तरह से खाने की कोशिश रही उसकी। हाँ, जो बीज आया ऊपर का सेंडा ऊपर का हिस्सा ही जैसे कट करेंगे, पत्ता पत्ता ही खाएंगे, अच्छा सर अच्छा पत्ता खाएंगे। और जैसे भेड़ कुछ भी खाता रहेगा, इसको तो उनका बच्चों को पूरना मुश्किल रहता है, ऐसा ही रहता है, इनको दूध कम रहता है, लेकिन इनको भगवान ने इनके बच्चे के लिए बराबर दिया है। और ये जैसे आप उन ये रख सकते हैं, इनके वैसा दो बच्चा होगा तो एक बच्चा जैसे जल्दी बेच के एक बच्चे का दूध आप ले सकते हैं, और एक बच्चे का दूध ये कर सकते। इसीलिए बकरी का दूध सबसे नंबर वन रहता है, और सबसे आयुर्वेदिक रहता है बकरी का। इसीलिए बकरी का दूध दोस्तों, बकरी इसलिए संभलना है। दूध वाली की बकरी की बहुत जैसे कम ये है, काटेवाड़ी है, जकराना है, हमारा ये महाराष्ट्र की उस्मानाबादी है, उस्मानाबादी भी बहुत अच्छी है, उस्मानाबादी भी बहुत चल रही, क्योंकि उस्मानाबादी के लंबा कान और ब्लैक रहते, और ब्लैक का दूध जैसे बहुत अच्छा रहता है, कई कई बीमारी में ब्लैक का दूध अच्छा रहता है, कई जर ये कलर अलग अलग कलर के रहते हैं, लेकिन हमारे इधर ब्लैक को ज़्यादा डिमांड है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर ब्लैक को डिमांड ज़्यादा रहता है हमारे इधर, ऐसा है। इसलिए दोस्तों तो बकरी का दूध सबसे अच्छा है, इसलिए दूध जरूर पीना है तो बकरी का लेना है। और आपको गाय जैसे, गाय तो कोई संभाल सकता है, जैसे आपके पास पार्किंग में जगह है, चार पांच कार है, जैसे दो ही कार रखी दो तीन बाजू में हटाए और एक दो कार रहने दीजिए, और ऐसा करके भी जैसे आप गाय संभाल सकते। आजकल गिर गाय बहुत अच्छा दूध देने वाली नस्ल है, गिर गाय जैसे 10-12 आपको लीटर दूध हो सकता है,
घर में जैसे आपको 4-5 लीटर भी दूध हो गए तो बहुत दूध हो गए वो, जैसे 4-5 सदस्य के लिए। इसलिए दूध दोस्तों सबसे नंबर वन दूध है बकरी का, और बकरी का इसलिए बकरी भी जैसे पाल सकते हैं, लेकिन बकरी का झाड़ा पाला चाहिए, कम से कम 7-8 अलग अलग पेड़ पौधे की झाड़ा पत्ता ऐसा। इसीलिए आर्दबंदी से सबसे अच्छा रहता है, जैसे 4 घंटा चराना और बाकी के घंटे जैसे उनके बाड़े पर उनको खिलाना, अपने पास जो अवेलेबल है वो उसमें उनको काम चलाना। इसलिए दूध जैसे आजकल कम से कम 1.5-2 लीटर तक दूध देने वाली बकरी है मार्केट में, जैसे उनको अच्छा तरह से आप खाद खिलाएंगे, अच्छा तरह से पेड़ पौधे वो करेंगे तो आपको दूध भी अच्छा होगा। और बकरी इसीलिए दूध, बकरी का दूध ज़रूर दोस्तों खाने में सबसे अच्छा है, तेज दिमाग रहेगा क्योंकि वो दिमाग में तेज है। देखो कितना उनके शरीर में ये है, जैसे इतना ऊपर छलांग मार दी तो उसके दूध में भी उतना ताकत है, उतना काटकपना है, उतना चप्पल है। इसलिए दोस्तों बकरी सबसे अच्छा है। हाँ, और भैंस, भैंस कैसे चलती है, भैंस का मूवमेंट कैसा है, फिर वैसा मूवमेंट रहता है, चर्बी उसमें ज़्यादा, इसलिए भैंस का दूध नहीं लेना है। दूध है तो बकरी और गाय तक दूध ठीक है, उसके आगे दूध के ले जाना नहीं, ये समझो दोस्तों। ये दो दो प्राणी का दूध सबसे अच्छा है। हाँ देखो ना उनका कैसा छलांग है, ये भेड़ नहीं इतना छलांग मारेगी। हाँ आपको कैल्शियम चाहिए शरीर के लिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको जो भी आपको मिलने के चाहिए वो सबसे ज़्यादा तो ये बकरी के दूध में है। हाँ मिलेंगे ऐसे वीडियो में, लाइक जरूर करना है दोस्तों, आपको पसंद है ठोक दो एक लाइक। और राम कृष्ण हरि, मिलेंगे ऐसे वीडियो में। राम कृष्ण तो ज़्यादा तो झाड़ा पत्ता खाई जो 80%। देखो अभी बेर का पत्ता खाया, अभी इधर बबुल का पेड़ का पत्ता खाया, ये पेड़ का पत्ता खाया, जैसे हजारों वनस्पति का पत्ता खाती है, इसीलिए वो आयुर्वेदिक दूध बन जाता है और बहुत जैसे बीमारी के लिए फायदेमंद होता है और बहुत जैसे दवा